हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेविड शॉर्ट्स की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से बताऊंगा कि सक्सेस का एक बेसिक रूल क्या है और वो रूल आप किस तरह अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेसफुल होने का एक बेसिक रूल है और आपको ये रूल अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। और ये रूल है, सक्सेस दूसरे लोगों के सपोर्ट पर डिपेंड करती है। यस, सक्सेस दूसरे लोगों के सपोर्ट पर डिपेंड करती है। आपके और आपके टारगेट के बीच सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है दूसरे लोगों का सपोर्ट ना होना। किसी ऑफिसर को अपने ऑर्डर्स के पालन के लिए एम्प्लॉयज पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर वो उसके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे तो कंपनी का प्रेसिडेंट उस ऑफिसर को नौकरी से निकाल देगा और एम्प्लॉयज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक पॉलिटिशियन भी डिपेंड होता है उसके वोटर्स पर। अब आप ये पूछ सकते हो कि चलो ये मान लिया कि मैं जो सक्सेस चाहता हूँ उसे हासिल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन मैं किस तरह इन लोगों को इंस्पायर करूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें और मुझे लीडर माने। इसका जवाब एक छोटे से सेंटेंस से दिया जा सकता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचो। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे तो वो आपको पसंद करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। इस बात को ठीक से समझना है कि किसी भी इंसान को ऊपर की तरफ नहीं खींचा जाता, बस सपोर्ट दिया जाता है। किसी इंसान को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो बाकी सबसे ऊंचा नजर आता है, और हमें ऊपर की सीढ़ी चढ़ने का सहारा तब दिया जाता है जब लोगों को लगता है कि वो हमें पसंद करते हैं। और चूंकि आप पसंद किए जाते हो तो आपको ऊपर उठाते समय सामने वाले को वजन भी नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों के पास लोगों की पसंद बनने का प्लान होता है। क्या आपके पास है? जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो इस बारे में ज्यादा नहीं बताते कि लोगों के बारे में अच्छा सोचने की उनकी टेक्निक्स क्या हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई ग्रेट लोगों के पास लोगों को इम्प्रेस करने का एक क्लियर और रिटन प्लान होता है। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने प्रेसिडेंट बनने से काफी पहले सक्सेस के 10 रूल्स तैयार किए थे, और इतिहास गवाह है कि वो ये 10 रूल्स को अपनी लाइफ में उतारते थे। उन्होंने जो 10 रूल्स का प्लान तैयार किया था वो ये था। नंबर 1, लोगों का नाम याद रखने की आदत डालो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सामने वाले को यह लग सकता है कि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, एक ऐसे कंफर्टेबल इंसान बनो जब आपके साथ कोई हो तो वो टेंशन में ना रहे। आप मजाकिया और एक्सपीरियंस टाइप के इंसान बनो। नंबर 3, अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालो ताकि मुश्किल सिचुएशन में आपको गुस्सा ना आए और वो सिचुएशन आपको परेशान भी ना कर सके। नंबर 4, बड़बोला ना बनो। सामने वालों को यह एहसास मत होने दो कि आप सब कुछ जानते हो, आप ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, बहुत बड़े स्वामी हो। No, ऐसा मत करो। नंबर 5, दिलचस्प बनने की आदत डालो ताकि लोग आपके पास रहना पसंद करें। नंबर 6, अपनी पर्सनालिटी से चुभने वाली चीजें बाहर निकाल फेंको। मतलब आपकी ऐसी कोई भी आदत जो लोगों को चुभती हो, चाहे वो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, उसे एक अच्छी आदत से बदल डालो। नंबर 7, सच्चे इमोशन से हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करो। अपनी कंप्लेंट्स को नाली में बहा दो। नंबर 8, लोगों को पसंद करने की प्रैक्टिस करो तब तक जब तक कि सच में आप उन्हें पसंद ना करने लगो। नंबर 9, किसी की सक्सेस या अचीवमेंट पर कांग्रेचुलेट करने का मौका मत जाने दो। साथ ही किसी के साथ बुरे हुए इंसिडेंट पर सिंपैथी जताना भी मत भूलो। नंबर 10, लोगों को स्पिरिचुअल पावर दो और वो आपको पसंद करने लगेंगे। तो लोगों को पसंद करने के इन 10 आसान लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रूल्स की वजह से प्रेसिडेंट जॉनसन को उनके वोटर्स और पार्लियामेंट ने पसंद किया। वीडियो रिवाइंड करके ये रूल्स एक बार फिर सुनो। ध्यान दो कि यहाँ बदला लेने की बात नहीं कही गई है। यहाँ ये भी नहीं कहा गया है कि गलतफहमी दूर करने के लिए आप सामने वाले की पहल का इंतजार करो। यहाँ पर इस तरह का थॉट भी नहीं है कि मैं सब जानता हूँ और बाकी के लोग बेवकूफ हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स कहते हैं कि आपको दोस्ती करने में पहल करनी चाहिए। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। ये सोचना ज्यादा आसान है और नेचुरल भी है कि मैं क्यों पहल करूं, सामने वालों को पहल करनी चाहिए, उसे मेरे घर पहले आना चाहिए, पहले उसे बात शुरू करनी चाहिए। ऐसा करना तो आसान है लेकिन लोगों के बारे में अच्छा सोचने का यह सही तरीका नहीं है। अगर आप इस बात का इंतजार करते रहोगे कि दूसरा व्यक्ति दोस्ती की बुनियाद रखे तो आपके पास कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। असल में सच्चे लीडर की पहचान है कि वो लोगों से पहचान बढ़ाने में पहल करता है। वो इंसान सच में सक्सेसफुल होगा जो आपके पास आता है, आपसे हाथ मिलाता है और कहता है हेलो, आई एम XYZ। इस बात पर थोड़ा सोचें, आप पाएंगे कि वो इंसान इसलिए सक्सेसफुल होगा क्योंकि वो दोस्ती बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। अगली बार जब आप किसी बड़े ग्रुप में खड़े हों, इस बात को ध्यान से देखें। वहां पर मौजूद सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो होता है जो अपना इंट्रोडक्शन देने में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आपने कभी सोचा है कि लोग लिफ्ट का इंतजार करते समय स्टैचूज की तरह क्यों खड़े होते हैं? अगर वहां कोई जान पहचान का नहीं है तब तक ज्यादातर लोग अपने आसपास के खड़े लोगों से बात ही नहीं करते। एक बार ऑथर डेविड शॉर्ट्स ने इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लिफ्ट में उनके पास खड़े हुए इंसान से बातचीत करने का फैसला किया। उन्होंने 25 बार लगातार ऐसा किया और 25 बार ही उन्हें इसके पॉजिटिव और फ्रेंडली रिप्लाई मिले। हालांकि अजनबियों के साथ बात करने को अच्छे मैनर्स में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी इस बात को पसंद करते हैं। और यह रहा इसका बेनिफिट, जब आप किसी अजनबी के बारे में कोई पॉजिटिव बात कहते हैं तो इससे उसे खुशी मिलती है, उसका मूड अच्छा हो जाता है और आपको भी अच्छा लगता है और आपको भी पीस और खुशी मिलती है। हर बार जब आप किसी इंसान की तारीफ करते हैं तो हर बार दरअसल आप खुद को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं।
कई लोगों में यह गड़बड़ होती है कि वो दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, वो छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाते हैं, उनके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और परफेक्ट इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। हम सब आधे अधूरे होते हैं। अब अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल ना करें तो हमें हर इंसान में बुराई दिख सकती है, लेकिन हम अगर अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें हर इंसान में अच्छाई दिख सकती है। आप इसे इस तरह से देखिए, मान लो कि आपका ब्रेन एक मेंटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है और इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में इक्वल पावर वाले दो चैनल हैं, चैनल पी यानी कि पॉजिटिव चैनल और चैनल एन यानी कि नेगेटिव चैनल। अब आइए देखते हैं कि आपका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। मान लो कि आपका बॉस, हम उसका नाम चोपड़ा, मदन चोपड़ा रख देते हैं, बाजीगर का मदन चोपड़ा है मदन चोपड़ा। तो मान लो कि आपका बॉस मदन चोपड़ा ने आपको कैबिन में बुलाया और आपके काम की जांच की। उसने आपके कई कामों की तारीफ भी की और साथ में सजेशंस भी दिए कि आप अपने काम को कैसे और बेटर बना सकते हो। अब ये नेचुरल है कि इस बारे में आप आज रात को सोचोगे, और अगर आप चैनल एन यानी नेगेटिव चैनल को ऑन करते हो तो वहाँ का ब्रॉडकास्टर कुछ इस तरह की बातें करेगा। सावधान, चोपड़ा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है, वो बॉस नहीं हिटलर है, मैं कल ही जाकर उससे पूछूंगा कि हे मदन चोपड़ा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की। लेकिन अगर आप चैनल पी यानी पॉजिटिव चैनल को सुनते हो तो वहाँ का ब्रॉडकास्टर कुछ इस तरह से बातें करेगा, मिस्टर चोपड़ा बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने जो मुझे सजेशंस दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उन सजेशंस पर अमल करूं तो शायद मेरा काम सुधर जाए, मिस्टर चोपड़ा ने तो मुझे मेरी गलतियां बताकर मुझ पर एहसान किया है, मैं कल ही जाऊंगा और उन्हें थैंक्स बोलूंगा। इस मामले में अगर आप चैनल एन की बात सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके रिलेशन आपके बॉस से खराब हो जाएं और आपको एक गलत या खतरनाक हरकत कर बैठो। लेकिन अगर आप चैनल पी की बात मानोगे तो आपके बॉस के सजेशन से आपको प्रॉफिट मिल सकता है और इसके अलावा आप उनके और करीब भी पहुंच सकते हो, वो आपसे मिलना पसंद करेंगे, जाइए कोशिश करके देखिए। और ये बात आप ध्यान में रखो कि आप जितनी देर तक चैनल पी या चैनल एन की बातें सुनते हो आप उसी तरह की बातों में सचमुच दिलचस्पी लेने लगते हो और चैनल बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। ये सच है क्योंकि एक थॉट चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो अपने जैसे कई थॉट्स की चेन रिएक्शन पैदा करता है। आप ही दोनों चैनल के मालिक हो, इसलिए अपने थॉट्स के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काबू रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। जब आप लोगों के बारे में सोचें तो चैनल पी को सुनने की आदत डालें, अगर चैनल एन बीच में आ जाए तो उसे बंद कर दें, फिर चैनल बदल लें। चैनल बदलने के लिए आपको उस इंसान के बारे में कोई अच्छी बात सोचना है। तो जब आप अकेले हों तो ऐसा करना तो काफी आसान है, लेकिन असली खतरा तो ये है कि जब आप किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें सुन रहे हो, यानी कोई और इंसान आके आपको किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें बता रहा हो तो आपके दिल में भी उसी तरह के थॉट्स आएंगे और आप भी शायद उस इंसान के बारे में नेगेटिव बातें कर सकते हो। और अगर आप अलर्ट नहीं हो तो शायद आप आग में घी डालने का काम कर दो और आप कह दो हाँ और यही नहीं तुम्हें पता है उसने और क्या क्या किया। इस तरह की बातें पलट कर आती हैं बुमेरिंग की तरह। दो तरीके हैं जिससे हम दूसरे लोगों को हमारे पॉजिटिव चैनल को नेगेटिव चैनल में बदलने से रोक सकते हैं। एक तो यह कि आप इमीडिएटली सब्जेक्ट बदल दो और इस तरह की बातें करो, हाँ सॉरी यार लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता था उस काम का क्या हुआ। और दूसरा तरीका यह है कि आप वहां से इस तरह की बात कहकर चल दो, सॉरी यार अभी मैं जल्दी में हूं, मुझे एक जगह पहुंचना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है तो फिर मिलते हैं। अपने आप से वादा करो कि आप दूसरों को इस बात की परमिशन नहीं दोगे कि वो आपकी थॉट प्रोसेस बदल दें। और एक बार आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने की आदत डाल लोगे तो आपकी सक्सेस बिल्कुल पक्की है। तो ये थी डेविड शॉर्ट्स की बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से वो टिप्स वो ट्रिक्स जिनसे आप लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हो, आप उन्हें अपना दोस्त बना सकते हो और ये बातें आपको सक्सेसफुल होने में काफी मदद कर सकती हैं और यही करती भी हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए इनमें से आप ऑलरेडी कौन से रूल्स फॉलो करते हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।